नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जो मंदिर हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। दोस्तों, उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है चंडी देवी मंदिर। यदि आप लोग इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी का मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यह मंदिर हरिद्वार के भीतर स्थित पंच तीर्थ में से एक है। चंडी देवी मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। दोस्तों, यह हरिद्वार में स्थित तीन पीठों में से एक है। अन्य दो पीठ मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंडी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुच्चत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों का यह भी मानना है मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक थे। मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर स्थित पांच तीर्थों में से एक है। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर से जुड़ी कुछ कथा भी है जो कि इस प्रकार से है। देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी जाना जाता है, जो इस मंदिर की प्रमुख देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से फेंक दिया था। दोस्तों, देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी के रूप को धारण किया और राक्षसों के सामने प्रकट हुए। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंदा और मुंडा को उसे मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। दोस्तों, फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाद में एक मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में दो स्थित चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, माना जाता है कि चंडी देवी मंदिर की विशेषता ही उसे खास बनाती है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मंदिर को देखने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चंडी देवी को काली देवी की तरह माना जाता है और प्रायः इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है। अश्विन और चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि में चंडी पूजा विशेष समारोह के द्वारा मनाई जाती है। पूजा के लिए ब्राह्मण के द्वारा मंदिर के मध्य स्थान को गोबर और मिट्टी से लीप कर मिट्टी के एक कलश की स्थापना की जाती है। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु चंडी देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर स्थित है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले भक्त इस मंदिर में जरूर जाते हैं। दोस्तों, मनसा और चंडी देवी पार्वती के दो रूप हमेशा एक दूसरे के करीब रहती हैं। मनसा का मंदिर बिल्व पर्वत पर गंगा नदी के विपरीत तट पर दूसरी ओर है। चूंकि चंडी देवी का मंदिर मन्नतें पूरी करने के लिए जाना जाता है, यही कारण है कि अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। दोस्तों, पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी लोकप्रियता के साथ ही पहाड़ के मनोरम दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप चंडी देवी मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी से अक्टूबर के बीच यहां जाना अधिक सुविधाजनक होता है।
चूंकि उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है, इन महीनों में यहाँ ज्यादा बर्फबारी भी नहीं होती है और ना ही मंदिर जाने का रास्ता ब्लॉक होता है। इसलिए आप सर्दियाँ शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद और बरसात का मौसम शुरू होने से पहले चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, यह मंदिर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बसा है। चंडी देवी मंदिर हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो चंडी घाट से 3 किलोमीटर ट्रैकिंग मार्ग से आना पड़ता है और कई चरणों की चढ़ाई करके या हाल ही में शुरू की गई रोप वे केबल कार पर चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चंडी देवी उड़न खटोला के नाम से जानी जाने वाली रोप सेवा की शुरुआत की गई है और यह तीर्थ यात्रियों को निकटवर्ती मनसा देवी मंदिर में भी पहुंचाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोगों को चंडी देवी मंदिर के बारे में जानकर काफी आनंद आया होगा। यदि आप लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो। जय माता दी।